Hello, dear students. Good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and course number is Agro Five Triple Two. So today we'll be dealing with the concept and basic features of farming system, and problems and impacts on agriculture. Okay so yes in our previous lecture we had already seen some basic uh, principles and, and some introductions of sustainable agriculture and this lecture will discuss about the concept of sustainable agriculture okay so there are few concepts for the sustainable agriculture like new need to maintain or improve soil quality and fertility this is often अटेंड by increasing the organic matter कंटेंट of the soil and by minimizing losses for soil erosion ठीक है मतलब बेसिक नीड हमारा क्या है सॉइल की क्वालिटी और उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना ये हमारा कंसेप्ट है ठीक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इस कंसेप्ट में क्या करता है काम करता है राइट और क्या करना सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखना और जो सॉइल में होने वाले मृदा अपर्दन हैं ठीक है सॉइल एरोजन है उनको कम करना राइट एंड द सेकेंड इज द प्रोडक्शन प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू इम्प्रूव द रिसोर्स यूटिलाइजेशन दिस विल रिजल्ट इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ओके सो हमको क्या करना है एक प्लानिंग करनी है एक प्रॉपर डिजाइन करना है ठीक है किसी भी फार्मिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमें एक प्रॉपर डिज़ाइन करना है प्री डिज़ाइन प्री प्लानिंग करनी है और उसको डिज़ाइन करना है ठीक है अगर हम ऐसा करते हैं तो वो क्या होता है उससे कॉस्ट इफेक्टिव होता है ठीक है मतलब हमें इनिशियली जो कॉस्ट लगाने होते हैं वो कम से कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेना होता है राइट सो कॉस्ट इफेक्टिव होता है इनिशियली जो भी हम वाटर uh, लगाते हैं फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स जो बेसिक इनपुट्स हम फार्मिंग सिस्टम में लगाते हैं वो क्या करते हैं रिटर्नस को इनक्रीज करते हैं ओके एंड द नेक्स्ट इज़ एन अटेम्प्ट इन इज़ मैथ टू इम्प्रूव इंटरनल न्यूट्रिय साइकिल ऑन द फार्म विच विल रेड्यूज द डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स ठीक है मतलब हमें इम्प्रूव करना है इंटरनल न्यूट्रिय साइकिल को ठीक है जैसे हमने देखा था कि जो भी अलाइड सेक्टर्स है उसमें हम बायोगैसेस जो हैं वो फ्यूल्स हम बना रहे हैं ठीक है और जो हमारे आ, हम जो पशुपालन करते हैं ठीक है जो हम अपना काउडंक वगैरह होते हैं उनसे जो ऑर्गेनिक मैटर्स हमें जो मिलते हैं स्लरी वगैरह होती है लीटर्स जो मिलते हैं हमें काऊ से अनदर जो भी एनिमल्स है, हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनसे उसको हम क्या करते हैं हमने फार्म में ए, क्या करते हैं अप्लाई करते हैं ठीक है तो फार्म में हम सीधे रॉ अप्लाई नहीं करते राइट हमें क्या करना होता है प्रॉपर एक साइकिल या प्रॉपर एक मैनेजमेंट करना होता है और फार्म यार्ड मैन्योर बनाना होता है टैंक में प्रॉपर एक यू नो चैनल चलाने होते हैं उसके अकॉर्डिंगली और हमें इस वजह से क्या होता है क्या रिजल्ट होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स होता है उस पर डिपेंड नहीं रहते हम ठीक है तो हमारा ये बेसिक कंसेप्ट है कि हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स में डिपेंड नहीं रहना है हमें इंटरनल फर्टिलाइजर्स के मैनेजमेंट साइकिल्स को इम्प्रूव करना है ओके एंड द नेक्स्ट इज द एफर्ट्स आर मेड टू इम्प्रूव बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन द फार्म दिस विल रिजल्ट इन इम्प्रूव नेचुरल सप्रेशन ऑफ पेस्ट एंड मे ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव इंटरनल न्यूट्रिन साइकिलिंग विद इन द फार्म द फार्म मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज ओवर हेड कॉस्ट एंड इनक्रीज नेट रिटर्न ओके मतलब फार्म मैनेजमेंट जो भी हम करते हैं फार्मिंग सिस्टम में जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा ये एक ऐसा मैनेजमेंट है या ऐसा प्लानिंग है जिसमें हमारा मार्केटिंग प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं मार्केटिंग प्रोग्राम्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है जिससे क्या होता है जो हमारा ओवरहेड कॉस्ट है या जो हमारा इनपुट कॉस्ट है वो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिले नेट रिटर्न या नेट प्रॉफिट मिले ठीक है तो ये था हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बेसिक कंसेप्ट या फीचर्स कभी भी एग्जाम में फीचर्स या कंसेप्ट पूछता है तो बोथ आर सेम ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है आपको एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स एंड इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर ओके सो दिस इज दिस टॉपिक इज़ आन इन आर सिलेबस ऑल्सो तो ठीक है इसलिए मैंने ये ऐड किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो हमें फेस करने पड़ते हैं या क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने होते हैं राइट right? सो दू कैन सी द एग्रीकल्चर हैज़ चेंज ट्रामेटिकली स्पेशली सिंस द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड फूड एंड फाइबर्स प्रोडक्टिविटी सोर्स ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज मेकेनाइजेशन इंक्रीज कैमिकल यूज स्पेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट फेवर्ड मैक्सीमिंग प्रोडक्शन ठीक है मतलब अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो हमारी जो एग्रीकल्चर uh, सेक्टर है हम कह सकते हैं ठीक है ये एग्रीकल्चर बेस्ड जो हमारे एंटरप्राइजेज है उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंजेस हुए हैं राइट जिसमें क्या हो रहा है नई नई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है अलग अलग मशीन्स मशीनरीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है अलग अलग इक्विपमेंट्स हम लेके आ रहे हैं ठीक है गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ बना रही है क्रॉप वाइज या किसी भी इम्प्लीमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ हैं सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है ठीक है जिससे क्या करें गवर्नमेंट का क्या मोटिव है कि वो प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी लेके आए ठीक है तो ये एक क्या है हमारा सिनारियो है ठीक है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से जो भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हो रहा है उसका एक परिदृश्य है एक बेसिक सिनारियो है राइट सो ऑल दो दिस चेंजेस हैव हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड रेड्यूज मैनी रिस्क इन फार्मिंग देयर हैज ऑल्सो बिन सिग्निफिकेंट कॉस्ट ठीक है हालांकि इससे क्या हो रहा है बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं इसके कि हम मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है ठीक है पॉलिसीज़ मिल रही है हमें अलग अलग पॉलिसीज़ में सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट नए नए मैकेनाइजेशन आ रहे हैं बड़े बड़े मैकेनाइजेशन अलग अलग न्यू टेक्निक्स इम्प्रूव हो रही है ठीक है तो ये क्या है पॉजिटिव इफेक्ट्स है भी हैं पर एट द सेम टाइम एवरी हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑल्सो ठीक है मतलब सबका एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है या एवरी थिंग हैज़ यू नो प्रोज एंड कॉन्स सबका एक डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज भी होता है ठीक है तो कुछ प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हैं लाइक प्रोमिनेंट अमंग दीज आर टॉप सॉइल डिप्लीशन ठीक है हम बहुत ज़्यादा मशीनरीज या मैकेनाइजेशन का यूज़ करने से क्या होता है सॉइल में डिप्लीशन आने लगता है सो so, जब हम बहुत ज़्यादा आयरन बेस्ड मैके मशीनरीज हमारे यू नो सॉइल पे यूज़ करते हैं तो क्या होता है हमारी जो सॉइल की जो अपर सरफेस है ठीक है वो क्या होती है हार्ड होती है हार्ड पैन बनने लगते हैं ठीक है ड्यूटी देर रिलीजिंग आयरन एलिमेंट्स ठीक है आयरन जो है वो कहीं ना कहीं क्या होता है इम्प्लीमेंट्स के थ्रू जो है हमारे सॉइल पर हार्ड पैन बना देता है राइट द ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स यूज कर रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वीड्स को कम करने के लिए डिसीजेज एंड पेस्ट जो अटैक होते हैं उनको कम करने के लिए ठीक तो है तो वाटर जो वाटर रिसोर्सेज है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं या ड्रिंकिंग वाटर्स जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं कंटामिनेट हो रहे हैं ठीक है प्रदूषित हो रहे हैं राइट एंड द नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ फैमिली फार्म फार्म कॉन्टिन्यू नेगलेक्टेड ऑफ द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर फार्म लेबर्स इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन रूरल कम्युनिटीज़ ठीक है मतलब पतन होते जा रहा है विघटन होते जा रहा है हम कह सकते हैं कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो है उनका धीरे धीरे क्या होता है कम पतन होते जा रहा है कम्युनिटीज़ जो है ठीक है सोशल कम्युनिटीज़ जो है उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है पतन होते जा रहा है कमी होती जा रही है क्षरण होते जा रहा है ठीक है जिससे कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज़ हो रहा है हम नए नए मशीनरीज लेके आ रहे हैं अब टेक्नोलॉजीज हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो साथ साथ में मेकेजेशन इम्प्रूव हो रहे हैं अलग अलग मशीनरीज आ रही है जिनके कॉस्ट हाई फाई हैं ठीक है थीके? जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स आ रहे हैं जिनके कास्ट जो है वो अफोर्डेबल नहीं है फार्मर्स के लिए तो क्या हो रहा है कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन इंक्रीज होते जा रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है ठीक है तो प्रॉब्लम ये है हमारा कि हमने नए टेक्निक लाई इम्प्रूव की जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है पर एट द सेम टाइम हमारा क्या है पॉलिसीज़ मिल रही है हमारे जो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है बट क्या हो रहा है प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं एनवायरमेंटल हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं सॉयल डिप्लीट हो रही है ठीक है वाटर रिसोर्सेज कंटामिनेट हो रहे हैं तो ये सारे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हम देखने देखते हैं लाइक दे आर लाइक दे आर सम प्रॉब्लम्स लिस्टेड लाइक डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डिक्लाइन इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी ओके स्टैटिक स्टैटिक और डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन इंक्रीजिंग माल न्यूट्रिशन श्रिंकेज इन नेट कल्टीवेटेड एरियाज इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिप्लीशन ग्राउंड वाटर टेबल ठीक है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो फार्म इनकम डी इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है बहुत सारी मशीनरीज आ रही है माल न्यूट्रिशन हो रहा है क्योंकि प्रॉपर पर कैपिटा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है ठीक है तो पर कैपिटा फूड कम प्रोवाइड हो रहा है तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अगर हम प्रॉब्लम्स देखें तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वही लिस्ट आउट हुई है ठीक है मूविंग ऑन ओके सो सारे प्रॉब्लम्स का रिजल्ट क्या हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ऑल प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन विटनेसिंग स्टेगनीशन इन रिसेंट ईयर मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि एक एक स्टेग्निटी आई है उसमें ठीक है मतलब एक बढ़ोतरी नहीं हुआ रिसेंटली ईयर में हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है वो आ, देखा गया है कि इंक्रीज नहीं हो रहा एक मतलब कांस्टेंट बन गया है वो ओके, सो बिसाइड इशू सच एज कंपीटिंग डिमांड फॉर वाटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग डेमोग्राफिक एंड इट्स वेरियस एंड यूजेस फर्दर अग्रेटिव द डिग्री ऑफ रिस्क इन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स ठीक है मतलब ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं डेमोग्राफिक जनसंख्या में जो जन की जो चेंजेस हो रहे हैं वो वो क्या हैं रिस्क है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जिसके रिज़ल्ट ये निकल रहे हैं ठीक है ठीके? ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमें तो ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का सिनारीो है टू डेज सिनारीयो मतलब आज का परिदृश्य ऐसा है कि मैकेनाइजेशन और टेक्निक्स इंप्रूव हो रहे हैं साथ ही साथ जो है सॉइल जो है वो डिप्लीट हो रही है वाटर जो है वो ख़राब हो रहा है इसकी वजह से हमें क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे Um, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या करना है उनको चलाने की ज़रूरत है ठीक है सो दीज है इम्प्लीकेशन फॉर फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड एज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिंग्रिक्स प्रोन मे लीड टू माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज़ ठीक है ये सारे जो भी आ, पर माल न्यूट्रिशन हो रहा है प्रॉपर प्रॉपर पर कैपिटा फूड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है क्योंकि सॉइल ख़राब हो गई है सॉइल डिप्लीट हो रही है तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से जो डिमांड है जितने फूड प्रोडक्ट की वो डिमांड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से जो पर कैपिटा फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा माल न्यूट्रीशन होगा तो लोग क्या कर रहे हैं मूव कर, कर रहे हैं माइग्रेट कर रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ से ठीक है देन इंडियन एग्रीकल्चर नाउ फेस द चैलेंजेस ऑफ एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एडमिट्स ए कॉन्स्टेंट सर्च एस्टेग्नेशन नेट सोन एरिया नेट सोन एरिया में एक क्या आया है एक नेस आ गया है मतलब एक उतना ही बना हुआ है ठीक है मतलब नेट सोन एरिया जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है इवन दो कम होते जा रहा है क्योंकि अर्बेनाइजेशन हो रहा है तो कल्टिवेटेड एरिया जो है हमारा वो कम होते जा रहा है ओके दैन डेटोरेशन ऑफ लैंड क्वालिटी लैंड क्वालिटी धीरे धीरे क्या हो रही है डेटोरेट होती जा रही है मतलब खराब होती जा रही है मिट्टी बेसिकली हमारी जो सॉइल है वो ख़राब होती जा रही है जिससे क्या हो रहा है लैंड की क्वालिटी वर्स्ट होती जा रही है देन रिडक्शन इन पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी ठीक है मतलब नेट सोन एरिया कम होना मतलब लैंड की जो कल्टिवेटेड लैंड है उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही तो ये हमारे जो प्रॉब्लम प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो हमारा ये आज का जो परिदृश्य है आज का जो शिनारियों है वो ऐसा है राइट लेट ओके सो दे आर सम चैलेंजेस फॉर दी यू नो दम सम प्रॉब्लम्स ये सारे चैलेंजेस हैं जिनके द्वारा जो प्रॉब्लम्स के द्वारा क्या हो रहा है एग्जीक्यूट हो रहा है पढ़ रहा है ये सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं हम आगे आने वाले समय में फेस करेंगे ओके सो नीड्स फॉर मोर फूड हमें पॉपुलेशन बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा फूड हमें क्या है आवश्यकता है नीड है ओके अराउंड वन थर्टी अराउंड थ्री हंड्रेड टेन मिलियन टन फॉर फूड ग्रेन्स इन टू थाउजेंड फिफ्टी ठीक है मतलब पचास तक हमें इस तरीके का इतने टन फूड ग्रेन्स की आवश्यकता होगी ये अप्रोक्सीमेट डेटा है ओके दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेटा दिस इज अप्रोक्सीमेट डेटा देन नेक्स्ट इज स्टेग्नेटिंग नेट शोन एरिया विच इज़ फॉर फोर्टी टू मिलियन हैक्टेयर सिंस नाइन मतलब हमारा वन फोर्टी मिलियन हेक्टेयर है जो क्या हो रहा है उतना ही बना हुआ है कब से नाइनटीन सेवेंटी से इम्प्रूव नहीं हो रहा है ठीक है नेक्स्ट इज लैंड शेयर अंडर फेलो थर्टी एट परसेंट इंक्रीज सिंस नाइनटीन फिफ्टी वन ठीक है जो लैंड शेयर जो है वो उसका जो परसेंटेज है वो उन्नीस सौ इक्यावन से ये सारे जो डेटाज हैं वो चैलेंजेस हैं हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में वो प्रॉब्लम्स कितने हैं और हमें हमारे सामने अभी कौन से चैलेंजेस है जो हमें फेस करने हैं राइट सो दिज आर द नॉट एग्जैक्ट डेटा दिस आर द अप्रॉक्सीमेट डेटा ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं एन पर कैपिटा लैंड अवेलेबिल लैंड अवेलेबिलिटी फ्रॉम ज़ीरो पॉइंट नाइन वन हेक्टेयर इन नाइनटीन फिफ्टी वन ठीक है मतलब उन्नीस सौ इक्यावन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि पर कैपिटल मतलब वन फैमिली के पास इतने हेक्टेयर जमीन हुआ करते थे बट टूडेज सिनारियो टू थाउजेंड वन में जीरो पॉइंट थ्री टू हेक्टेयर हो गया जो ठीक है एंड अभी हो गया जीरो पॉइंट वन नाइन मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कम होते जा रहा है लैंड ठीक है क्योंकि लैंड जो नेट शोन एरिया है या नेट कल्टिवेटेड एरिया है वो ही क्या है कॉन्स्टेंट हो गया है राइट देन पर कैपिटल नेट सोन एरिया इज अबाउट दिस सम काइंड ऑफ डेटा एंड इन 2001 थाउजेंड वन जीरो तो धीरे धीरे हर चीज़ क्या हो रहा है डिप्लीट होते जा रहा है कम होते जा रहा है तो ये एक हमारा बेसिक चैलेंजेस है इस वजह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को फार्मिंग सिस्टम को एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्या कर रहे हैं इम्प्रूव कर रहे हैं राइट सो ये हमारा था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ठीक है इसलिए हमने ये ऐड करा है और हमारे ये बेसिक सिलेबस में भी प्रॉपर मेंशन है कि प्रॉब्लम्स इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चर का क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ओके okay? सो so, आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं थैंक यू वेरी मच टिल देन बी सेफ